नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक और शक्तिपीठ के दर्शन करवाने जा रही हूं, जो हिमाचल प्रदेश में है, और उस शक्तिपीठ का नाम है माँ चिंतपूर्णी। इस ब्लॉग में हम माँ चिंतपूर्णी टेम्पल भी देखेंगे और साथ में मैं आपको उससे जुड़े हुए इतिहास और कथा के बारे में भी बताऊँगी। बस आपसे निवेदन है कि इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना, ताकि सबको माँ चिंतपूर्णी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता दी। तो चलिए जानते हैं चिंतपूर्णी मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, चिंतपूर्णी धाम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। जम्मू की वैष्णो देवी, हिमाचल की ज्वाला देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी और सहारनपुर की शाकंभरी देवी की भांति यह भी एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे। इस स्थान पर प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने को मिल जाता है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे मनमोहक दृश्य यात्रियों का मन मोह लेते हैं और उनके मन में अमिट छाप छोड़ देते हैं। यहाँ पर आकर माता के भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में चिंतपूर्णी का 5वां स्थान है। वैष्णो देवी से आरंभ होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नयना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर आदि सम्मिलित हैं। इन 9 दरबारों में चिंतपूर्णी, वैष्णवी देवी, शाकंभरी देवी और ज्वाला माता देवी अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चिंतपूर्णी देवी मंदिर का इतिहास। देवी सती के रूप में चिंतपूर्णी देवी को समर्पित चिंतपूर्णी देवी मंदिर के इतिहास और किंवदंतियों के अनुसार चिंतपूर्णी देवी मंदिर की स्थापना लगभग 12 पीढ़ियों पहले छपरोह गांव में पटियाला रियासत के एक ब्राह्मण पंडित माई दास जी द्वारा करवाई गई थी। समय के साथ साथ इस मंदिर को चिंतपूर्णी देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है उनके वंशज आज भी इस मंदिर में रहते हैं और देवी चिंतपूर्णी की पूजा अर्चना भी करते हैं। कहते हैं कि अपने नाम के अनुसार ही माँ भक्तों के जीवन की चिंताओं को दूर करती है। नवरात्रि के दिनों में तो बेहद शुभ माना जाता है इनके दर्शन। माँ चिंतपूर्णी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। बता दें, देवी को चिंताओं को दूर करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से हिमाचल में ज्वालामुखी का मंदिर भक्तों के बीच इतना प्रसिद्ध है, उसी तरह से इस मंदिर में भी भक्त नवरात्रि के दिनों में दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ उनकी चिंताओं को दूर करती है। कुछ भक्तों के अनुसार माँ चिंतपूर्णी माँ ज्वालामुखी का दूसरा नाम और रूप ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल में ही स्थित है, इसी आधार पर इस जगह का देवी का नाम चिंतपूर्णी पड़ा। देवी को चिंताओं को दूर करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में सुख, धन और संपत्ति का अभाव है, उनके दुख को चिंतपूर्णी माँ दूर कर देती है। इस मंदिर के कारण इसकी इतनी मान्यता है कि भक्त दूर दूर से अपनी समस्याएं माँ के पास लेकर आते हैं और खाली हाथ कोई भी भक्त नहीं लौटता है। चिंतपूर्णी मंदिर में एक तालाब है, जिससे एक प्राचीन कहानी जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार माँ भगवती ने भक्त मैदास जी को कन्या रूप में प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उनकी चिंता दूर हो गई। देवी भगवती ने उन्हें कहा कि आप जिस भी पत्थर को उखाड़ेंगे, वहाँ से पानी निकलने लगेगा। अब इस जगह पर एक तालाब है, जहाँ से भक्त ने पत्थर को उखाड़ा था। इस तालाब का निर्माण पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इसके बाद चिंतपूर्णी सरोवर कार्य समिति के पूर्व अध्यक्ष अमर शहीद ने इस तालाब का रिनोवेशन किया। तालाब के ठीक ऊपर
मंदिर के संस्थापक श्री 1008 बाबा मैदान जी की समाधि है। मंदिर के पास एक पवित्र बावड़ी है जिसका जल सभी रोगों को दूर करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिस पत्थर को उखाड़ा गया था उस पत्थर का क्या हुआ, तो हम बता दें कि वो ऐतिहासिक प्राचीन पत्थर आज भी तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए माता रानी के दरबार में रखा हुआ है। चिंतपूर्णी देवी मंदिर में प्रवेश करते ही इस पवित्र पत्थर को मुख्य द्वार के पास दाएं ओर देखा जा सकता है। यह जगह छिन्नमस्तिका धाम से भी जानी जाती है। इस धाम की दिलचस्प बात यह है कि भगवान शिव ने मंदिर को चारों तरफ से सुरक्षित किया हुआ है। पूर्व में कालेश्वर महादेव मंदिर, पश्चिम में नारायण महादेव मंदिर, उत्तर में मकरंद महादेव मंदिर और दक्षिण में शिव बारी मंदिर स्थित है। नवरात्रि के दौरान मंदिर में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर से सभी भक्त देवी के आशीर्वाद के लिए इस जगह पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि पंडित जी ने कैसे पत्थरों को हटाकर पत्थरों के नीचे से एक नदी का बहता हुआ जल प्राप्त किया? इसके पीछे भी एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गरीबी से परेशान होकर एक बार एक पंडित अपने ससुराल में जा रहे थे। रास्ते में ही अंधेरा हो जाने के बाद वे बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी सपने में एक छोटी बालिका के रूप में माता ने उस पंडित को दर्शन दिए। नींद खुलने के बाद उस पंडित को वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इसलिए वे सुबह अपने ससुराल की ओर निकल पड़े। ससुराल से लौटते वक्त पंडित ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात में विश्राम करने का निर्णय लिया। बरगद के पेड़ के पास पहुंचने के बाद पंडित ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप माता ने उस पंडित को अपने चतुर्थ रूप में दर्शन दिया और कहा कि मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे वास करूंगी, और साथ में यह भी कहा इस बरगद के वृक्ष के पास स्थित पत्थरों के नीचे नीचे एक नदी का जल बहता है। पंडित ने सुबह जब पत्थर हटाया तो वहां पर एक नदी का जल मिला जिससे आज भी माता चिंतपूर्णी का जल अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ चिंतपूर्णी की। तो अब हम आपको मंदिर में दर्शन के समय सारणी के बारे में भी बता दें। गर्मी में मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक है और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक का है। दोपहर 12 से 12:30 तक भोग लगाया जाता है और 7:30 से 8:30 तक साय आरती होती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, चने, पताशा, नारियल आदि लाते हैं। कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर ध्वज और लाल चुनरी माता को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में काफ़ी दुकानें हैं जहां से श्रद्धालु माता को चढ़ाने के लिए सामान खरीदते हैं। दर्शनों से पहले प्रत्येक पर्यटक हाथ धोते हैं और उन्हें सिर पर रुमाल या कपड़ा जरूर बांधना होता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा चिंतपूर्णी देवी मंदिर के इतिहास की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए शक्तिपीठ के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।